जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान जीके के संबंधित क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में पूछे जाने वाले राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, देखिएगा आपके सामने राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तीरंगदाजी में लिम्बा राम ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वर्ग रोकने का प्रयास किया? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, जयपुर जिले में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, अजमेर तथा आबू को सातवें चरण में, राजस्थान के एकीकरण में इनको सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, 1956 ईस्वी में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। और आपको बता दें, सर्वप्रथम राजस्थान के राज प्रमुख पद के प्रमुख थे सवाई मान सिंह थे, महाराजा सवाई मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, हीरा लाल शास्त्री भारत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, 1948 ईस्वी में राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, जयपुर क्रांति, जयपुर जिला या कुछ भी रियासत माने तो ये जयपुर जिला 1857 की क्रांति में केंद्र नहीं था। अजमेर, नीमच, अवा रियासतें 1857 के महत्वपूर्ण क्रांति के बिंदु थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, उनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, हरविलास सारदा, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, राजस्थान नहर का निर्माण है वो राजस्थान फीडर की समाप्ति से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, अतिसारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, मध्य राजस्थान में के क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में किस जिले में सिल्वी कल्चरल की जाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, गंगा सागर में सिल्वी कल्चर की जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, कोटा और बारां जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका,
उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पतियों की वनस्पति राजस्थान में प्राप्य या प्राप्त नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका है भरतपुर एवं अलवर दो ऐसे जिले हैं जहां पर सागवान रोपण हेतु सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सेवड़ खास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जैसलमेर में सेवड़ घास विस्तृत रूप से उगती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित जिलों में किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उदयपुर जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका खेजड़ी है जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका रोइडा पेड़ है या रोइडा वृक्ष है जो राजस्थान का सागवान का वृक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका खेजड़ी पेड़ के नीचे लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राजस्थान के जोधपुर जिले में मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका खेजली गांव की अमृता देवी है जिन्होंने वनों की रक्षा की थी, जो पेड़ों के साथ लिपट कर अमर शहीद के नाम से जानी गई थी। कौन जानी गई थी? अमृता देवी। इसी के साथ राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के साथ बने रहे हमारे साथ, वंदे मातरम।